स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इदरीसी बटन स्टोर। आज हम बात करने वाले हैं रोज़ प्लांट की, जो कि उसको हम जो है मतलब शिफ्ट करने वाले हैं रोज़ प्लांट को, जो कि मैंने पुष्पांजलि से लेकर के आया हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, उस दिन हमने जो बारिश के टाइम पर वीडियो किया था पुष्पांजलि नर्सरी विजिट, वहीं पर मैंने आपको पैकेजिंग करके करवा करके दिखाई थी गुलाब की, किस तरीके से कोरियर वाइज जो है ये लोग पैक करते हैं और कैसे जो है मतलब भेजते हैं। तो फिलहाल ये मेरे दो प्लांट मुझे उन्होंने दिए थे, पैकेजिंग करके दिखाई थी, हालांकि बारिश के कारण बस जो है कंप्लीट तरीके से वीडियो नहीं बनवा पाए थे, हम नहीं बना पाए क्योंकि भीगते ही रहे थे और जिस वजह से जो है हमारा वीडियो कंप्लीट अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो है इन दो रोज़ प्लांट्स को लिया है मैंने, जो उन्होंने मुझे दिए हैं, तो अभी मैं इनको खोल करके दिखाऊंगा इनकी कंडीशन कैसी है। आज लगभग 5 दिन हो चुके हैं, लगभग 4 दिन हो चुके हैं आज, तो 4 दिन के बाद मैं इनको जो है आज लगाने वाला हूँ। हालांकि वैसे कि वैसे ही मैंने रखा है ने, तो इनको लगाने के लिए जो मैंने सॉयल मीडिया लिया है वो है ये सिर्फ राइस हस्क, जो कि कम्पोस्ट में तब्दील हो चुका है, और ये मेरा वर्मी कम्पोस्ट जो कि 40% वर्मी कम्पोस्ट है, 60% जो है क्या बोलते हैं राइस हस्क है, बल्कि ये भी जो है मतलब जो कंपोस्ट में तब्दील हो रहा है हल्के हल्के, देख सकते हैं ये। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो है ये पोल्ट्री फार्म से लेकर के आता हूँ, तो जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि ये जो मैं राइस हस्क लेकर के आता हूँ, वो मैं लेकर के आता हूँ मतलब पोल्ट्री फार्म से, तो इसके लिए मैंने एक तो ये जो लिया है साफ लिया है, और दूसरा जैसा कि मैं रूटिंग हार्मोन लूँगा और अदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं लूँगा। तो आइए मैं इसको अब ओपन करके देखता हूँ और मैं आपको भी दिखाता हूँ किस तरीके से इसकी कंडीशन है प्लांट्स की, और लगाने के बाद भी अपडेट मैं इंशाल्लाह आपको देता रहूँगा। तो ये बरसात में ही टंडन साहब ने जो है बड़ी मशक्क़त के साथ हमने जो है अब वीडियो कवर किया और आपके लिए हमने वीडियो बनाया था, तो भीगते हुए आए थे, हालाँकि उसके दूसरे दिन भी लगातार बारिश होती रही, तो जिस वजह से जो है आपको जो है थोड़ी सी मतलब जो है कोरियर जो टैग लगाते हैं, टैग लगाने वाला जो है आपको हम नहीं दिखा पाए। तो ये डोरी से उन्होंने बांध रखा है, डोरी हम हटाते हैं और ऊपर से इस वाली डोरी को भी हम मतलब इसको हम करते हैं रिमूव इस पेपर को, तो पेपर में उन्होंने अच्छे से लपेट करके दिया है, रैप करके दिया है, तो मैं देखता हूँ ये किस चीज़ में लग रहा है। तो ये देखिए, ये मेरी प्लांट की कंडीशन निकली है, ये देखें। और अब इसमें लगे लगे भी मेरे ख्याल से इसमें मतलब जो है नई शूटिंग आना शुरू हो गई थी, अभी मैं इसको लगाऊंगा तब देखते हैं इसका रिज़ल्ट और क्या रहता है। तो फिलहाल उन्होंने काफ़ी अच्छे से उन्होंने लपेटा है, पर हमें इसको काटना पड़ेगा वरना जो है काफ़ी देर हो जाएगी इसको निकालते निकालते ही। तो ये पन्नी को हम पहले हटाते हैं, देखें आप अभी भी इसमें नमी है, बरकरार है, ये देखें, ये रहा गुलाब, एक डबल डिलाइड है और दूसरा जो है डबल डिलाइड के अंदर दूसरी एक ग्राफ्टिंग और की हुई है, इन्होंने डबल ग्राफ्टिंग की है एक प्लांट पे, तो वो भी मुझे इन्होंने दिया है एक। तो देखते हैं अभी इसे और खोलते हैं, तो ये हमारा सारा का सारा प्लास्टिक, इसमें जो है काफ़ी समय लगता है और पैक करने में, जैसा कि आपने देखा भी होगा वीडियो के अंदर। तो इतने हेल्दी प्लांट हैं इनके, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो, और ये पीट मॉस में जो है इन्होंने लगा करके दिए हैं, जैसा कि अभी इसमें भी नमी बनी हुई है, देखें मैं दिखाऊँ आपको और निचोड़ करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए अभी भी इसके अंदर बरसात का वही उसी दिन का पानी भरा हुआ है, तो मैं इसको भी अभी हटाता हूँ, इसमें काफ़ी सारी मतलब जो है इन्होंने मेहनत से बांधे हैं काफ़ी पेड़, तो इसको हम करते हैं एक तरफ और इसको हम मिला देंगे इसी के अंदर। और ये हमारा हुआ प्लांट अलहदा, इससे एक मेरा जो है गोल्ड मेडल है और दूसरा जो है डबल डिलाइट, ये वाला डबल डिलाइट और क्या बोलते हैं इसके अंदर डबल ग्राफ्टिंग की हुई है, ये देखें यहाँ से ये वाली ग्राफ्टिंग दूसरी है और मेरे ख्याल से इस वाले पे ये डबल डिलाइट की है। बाद में खिलेगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा,
और ये मेरा रहा दूसरा प्लांट जो कि गोल्ड मेडल करके है। इनकी हेल्थ देखें आप, माशाल्लाह बढ़िया हेल्दी प्लांट है। अब मैं इसको जो है मिला लूँगा। अब हालांकि उन्होंने रिकमेंड किया है, रिकमेंड करते भी हैं कि इसको फंगीसाइड के पानी में डुबो करके रखें, अगर आपके पास है तो आप डुबो करके रखें। हालांकि मैं अभी इसको नहीं डुबोने वाला हूँ, अब मैं इसे डायरेक्टली ऐसे ही लगाऊंगा। मैंने काफ़ी वीडियो आपको बना करके दिखा चुका हूँ, आप पीछे वीडियो में जा करके देख सकते हैं, नीचे प्ले लिस्ट मिल जाएगी पुष्पांजलि की सारी, तो उस प्ले लिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको करना है। तो आइए मैं अब इसको करता हूँ एक साइड, और इसको जो मैं लगाने वाला हूँ वो लगाने वाला हूँ मैं लगभग 12 इंच के इस वाले ग्रो बैग्स के अंदर, जैसा कि मैं लगा रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इसको जो है सारे के सारे ग्रो बैग जो फैब्रिक्स के अंदर ही लगाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर पानी रुकने की समस्या नहीं आती किसी भी तरीके की, जो मुझे काफ़ी बेहद अच्छा लगा। तो मैं अभी इसको मिला लेता हूँ, और इसका जो मेरा यूज़ करने का जो मतलब जो है मेन कारण यही है कि इसमें डाई बैग की समस्या से तो बच ही जाऊँगा मैं। तो मैं अभी इसको मिला लेता हूँ, फिर इसको मिलाने के बाद आपसे अभी मिलता हूँ मैं इसे लगाने के लिए। फ़िलहाल मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। तो अब फ्रेंड्स ये हमारी जो है मिल करके हो चुकी है रेडी, और देखें ये काफ़ी लाइट वेट भी है, जिससे कि मुझे सबसे मेन जो मेरा मैंने आपको बताया कि पहले तो इसमें पानी का कोई सिस्टम नहीं रहता इस ग्रो बैग के अंदर, फ़िलहाल हम इसमें भरना शुरू करते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो इसमें कि इसके अंदर जो हीटअप होती है वो हीटअप भी नहीं होती है इसके अंदर, बड़ा मतलब क्वालिटी बैग है ये, और आने वाले समय में इन्हीं का ही समय मेरे ख्याल से तो आने वाला है, क्योंकि मिट्टी के पॉट में भी थोड़ा वेट भी हो जाता है, हालांकि रहते उसमें भी बेहतर हैं, पर वो उससे बेहतर ये है मिट्टी वाले पॉट से, क्योंकि इसके अंदर मतलब लाइट वेट भी होता है और इसका ड्रेनेज सिस्टम भी बड़ा शानदार होता है। तो फ़िलहाल मैं आपको ये एक सिंगल प्लांट, जो दो प्लांट मुझे पुष्पांजलि वालों ने दिए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वो मैंने आपको खोल करके दिखाया। तो ये इनकी जो पैकेजिंग रहती है, तो पैकेजिंग का ये सीन रहता है कि इस तरीके से पैकेजिंग करते हैं कि अगर मान लीजिए लंबे मतलब तो लंबा समय अगर लग जाता है, 4 से 6, 7 दिन, 8 दिन भी अगर लग जाते हैं, तो आसानी से ये चीज़ जो है इसको पीट मॉस झेल लेती है, और उसमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता प्लांट में। जैसा आपको ये दिख रहा है ऐसा ही प्लांट आपको मिलेगा आपको पहुंचता हुआ। तो यहाँ से देखिए ये बेसल शूट निकलना शुरू हो चुकी है, जैसा कि देखें आप पॉइंट से, तो ये बेस एरिया है, यहाँ तक कि ये वाला भी सारा जंगली है, और ये तो है जंगली, इसके ऊपर से ये जंगली है, यहाँ पर उन्होंने ग्राफ्ट किया है ला कर के ऊपर। तो अभी मैं इसको लगाने वाला हूँ, ये मेरा है गोल्ड मेडल, तो इसको हम जब लगाएंगे तो थोड़ा सा डीपली करके लगाएंगे। जहाँ तक हो सके से और डीपली करके ही लगाएं, क्योंकि इसका जो एरिया है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको लगा लिया है नीचे तक, अब मैं इसको अच्छे से कवर करने वाला हूँ। काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी शानदार तरीके से ये मेरा ये हमारा भी एक लग करके रेडी हो चुका है, दूसरा भी मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। इसी में थोड़ी सी मैं इसमें राइस हकर की मुझे लगता है ये शायद कम पड़ जाए, तो थोड़ी सी लूँगा मैं। तो यहाँ पर तो हमारे यहाँ लोकल में जो है अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, आपके यहाँ कैसे मिलती है वो आप देख आप पर निर्भर करता है, आपके एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके एरिया में मतलब जो है कि मॉल मिलती है या फिर आपको फ्री में ही मिल जाती है। और मेन चीज़ इसके अंदर मैं किसी भी तरीके का सोयल का यूज़ नहीं कर रहा, मिट्टी का, ना ही गार्डन सोयल ना ही बालू मिट्टी,
किसी भी तरीके का मिट्टी का यूज़ नहीं है इसके अंदर। अब मैं लगाता हूँ इस वाले को और इसको भी मैं नीचे करके ही कोशिश करूँगा लगाऊँ अच्छे से। तो देखिए मैंने इसको जो है लगाया है और ये इसकी जो नीचे से जो जुड़ी हुई थी जी ब्रांच जहाँ से, तो यहाँ से मैंने जो है देखें आप यहाँ से इस तरीके से मैंने इसको यहाँ तक जो है दबा दिया है और इसका जो एरिया था वो भी मैंने कवर कर दिया है नीचे तक। और यहाँ तक जो है ये जंगली ही है तो इसलिए मैंने जहाँ तक कोशिश करें आप अंदर तक इसको जो है दबा दें क्योंकि यहाँ से भी रूट निकलना शुरू हो जाएंगी। तो मैं इसको जो है आज लगा रहा हूँ, इसके बाद देखता हूँ मैं ऑनलाइन मंगा करके पुष्पांजलि या शोके से भी मंगवाऊँगा, कुछ प्रणवीर से भी मंगवाऊँगा, उसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि उनकी मतलब जो है प्लांट की हेल्थ कैसी है और किस रेट में दिया है। इनकी जो कॉस्ट है अभी फ़िलहाल 110 रुपये मिनिमम कॉस्ट है प्लांट की पर प्लांट, और बाकी वैरायटी पे डिपेंड करता है कितने रुपये की मतलब कौन सी वैरायटी है, तो उसकी वैरायटी के हिसाब से इसके रेट डिफरेंस हो जाते हैं। तो ऐसा तो सारी जगह है पर पुष्पांजलि नर्सरी रोजरी जो है हमारी बरेली वाली उसके अंदर जो है थोड़े से रेट कुछ ज़्यादा हैं मतलब प्लांट की हेल्थ को देखते हुए, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको प्लांट हेल्दी मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। तो ये मेरी थोड़ी सी बच गई है मेरे ख्याल से, फिर भी कोई नहीं, मैं इसमें ही डालने की कोशिश करता हूँ भरने के बाद। अभी पानी इसमें डालूंगा, पानी के बाद जो बचेगी नीचे बैठेगी थोड़ी बहुत, बाहर बैठने का चांस नहीं है इसके अंदर क्योंकि ये फुल्ली भर चुकी है। तो मैं इसके अंदर जो है अभी फ़िलहाल लगाता हूँ पानी, पानी लगाने के बाद दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं अब इसमें लगाने वाला हूँ पानी, तो देखिए इस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, हालाँकि आपको देना नहीं है इस तरीके से, आपको जड़ के पास से नहीं देना, दूर से देना। पर मेरे पास ये ग्रो बैग जो है वो ऐसा है कि अगर मैं इधर से दूंगा तो यहाँ से पानी जो है देखें दिखने लग शुरू हो जाएगा, तो इसलिए मैं भी बीच में से ही दूंगा। और ये इसकी बड़ी ख़ास बात है कि मतलब पानी बहुत जल्दी ड्रेन कर देता है, और इसी तरीके से मैं इस वाले में भी पानी दे दूंगा। अभी फ़िलहाल एक ही एक मग्गा दूंगा, फिर बाद में जो है सुबह को इसको देखूंगा, अभी शाम का टाइम है। और मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ हर बार कि शाम के टाइम ही प्लांट को जो है लगाएं, और इसको जो है अगर धूप ज़्यादा तेज़ पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा है, तो आप जो है इसको छायादार जगह में रख सकते हैं। वरना जो है अगर आप मौसम, ये अक्टूबर भी एंड होने वाला है तो इसलिए आप अक्टूबर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको डायरेक्टली रख सकते हैं प्लांट को धूप में भी, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा तेज़ी अब धूप में नहीं रही। अब जो भी समय आ रहा है वो धीरे धीरे करके जो है प्लांट के लिए बेहतर आ रहा है। तो आपको ये अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।